हाँ तो भाई मैंने अभी क्या बोला था कि अपनी लाइफ क्या है, बस देखना है पानी कहाँ जा रहा है। देखो पहाड़ी का ऊपर का पानी यहाँ आ रहा है, देखो यही चीज़ अपने को देखनी थी। और इसके लिए अपन कितने यहाँ तक आ रहे, नीचे तक, जहाँ पे वाई स्लिप होने में भी डर है और अंदर बहुत घेरा भी है, तो अपन नहीं घुसने वाले कहीं पर भी, क्योंकि पानी में जहर होता है, पानी में सर्दी भर जहर होता है। जहर के बाद जो भी होता है देखा जाएगा भाई, मगर अल्टीमेट नज़ारा भाई, व्यूज़ देखने लायक है। भाई व्यू देखने लायक है यहाँ पे, बहुत गहरा भाई। छोटी छोटी मछली 100 रुपये दे के जिनमें काम करवा दो ना, वो वाली मछली इसके अंदर, मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ आपको, रुक जाओ भाई। अपन घुस चुके हैं कहाँ पर, बी फॉल के लिए। इन ब्लॉग में आप लोग देख रहे हो, यहाँ से अपन बी फॉल जा रहे हैं अभी, और अब बी फॉल के मजे लेंगे और आप लोग भी लोगे। यहाँ पर हमारा चेकिंग पॉइंट दूसरा आता हुआ, ये देखो चेकिंग पॉइंट है। देखो ये पर्ची कटाने के लिए वापस भगा दी, डायरेक्ट किसी को अंदर नहीं जानते थे, हमारे पास परमिट है, मगर भाई परमिट का ये फ़ायदा होता है, विदाउट परमिट आप अंदर नहीं जा सकते, और हमारी गाड़ी यहीं पे हमें पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पे परमिट दिखाओ और फिर अंदर जाओ भैया। हमारे गाइड साहब परमिट दिखाते हो, हमारा परमिट दिखा के अब यहाँ से अपन एंट्री लेंगे अंदर। ये नया क्या नाम है, बी फॉल है भाई जी, ये जर के ले चलो भैया। हमारे गाइड साहब अपने वो शॉर्टकट से नीचे ले जाते हुए बी फॉल में, और यहाँ पर दूसरा स्वर्ग। हमारे एक राम भाई आगे आगे चल रहे हैं, हमें रास्ता दिखाते हुए ऐसी ऐसी जगहों पे। ये रास्ता क्या कहता है भाई, पहाड़ी। गाइस कौन कौन ऐसी पहाड़ियों पे घूमा कमेंट करके बताना मेरे को, मैं तो पहली बार घूम रहा हूँ भाई यहाँ पर। गाइस ट्रैकिंग का असली मजा। तो भाई किस किसने ऐसी ट्रैकिंग का मजा लिया बताओ, कमेंट करो यार, और लाइफ को एंजॉय करो ऐसी ऐसी जगह घूमकर। अभी अपन घूम रहे पचमढ़ी के बी वाटरफॉल, यहाँ पे हमें गाइड साहब और वापस आओ, मैं यहीं मिलूंगा तुमको, ठीक है। इसी रास्ते से हम वापस आएंगे, पर्ची को जेब में रख लो, पर्ची दिखा देंगे अपन, कोई बोले तो कहना जी हमारी पर्ची है और हमारे गाइड सब वहाँ खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं जी सर, बिल्कुल यहीं पर रख दें अंकल जी जाकेट में। हाँ ये इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं खाली है, कीमती सामान भाई। ये देखो पानी पी लें, अब यहाँ से अपन रेस्ट करके, ये हमारे एक राम भाई को बेचारों प्यास लगी हुई, कब से गाड़ी चला रहे हैं सुबह सर्दी से, और भाई असली वाला मजा तो यहीं पर ही है ट्रेकिंग के लिए। भाई का घर तो बाजू में ही है, भाई का घर तो बाजू में ही है, सही में पानी तो पी लें दो अच्छे से, ब्लॉग बना दो लो भाई, अब तक आप लो पकड़ो तो वीडियो तो पकड़ो, मोबाइल अच्छे से ऑन है वीडियो। ये दो तीन स्पॉट अपन ने सही से घूम लिया है आपके साथ, भाई गाइड करना बहुत जरूरी है इधर पे आने के बाद। अंकल वो लोग बेवकूफ बना रहे जीप वाले, मुझे तो ऐसा लग रहा है, नहीं असल में लोग फैमिली लेके आते हैं ना, वो नाश्ते की दुकान पे खड़ा करके भाई के भाई वापस ले लेते होंगे, अफसर बयान नहीं रहता ना उन लोगों का। हाँ मेन पॉइंट तो वही है, ये पकड़ लो भैया, मेन पॉइंट घूमना है अप्सरा बिहार वगैरह, तो वहाँ पे जाना सीधे मेन काउंटर पे, वहाँ से भाई मैं नीचे देख रहा हूँ, तुम लोगों की तरफ नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ पे देखो रास्ता ये है, तो मेन पॉइंट जाना पहले, वहाँ से टिकट कटाना, वहाँ से एक बंदे को करना हायर, वो टोटल 1000 रुपये दो आदमी को लिया, उन्होंने 1100 1024 रुपये की रसीद कटी है, जिसमें गाड़ी हम लोग की थी और जो हमारे साथ में दिखा रहा गाइड, गाड़ी उसकी खुद की है। तो ये कूद रहा है अपन नीचे, ये देखो जंगल। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई जो बाहर से अगर आपने जीप कर ली तो वो सिर्फ आपको बाहर के बाहर बेवकूफ़ बना के ले आएंगे, और ऐसे में शायद 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो लोग, और अंदर से कटती है 3200 कुछ रुपये की पर्ची 6 आदमियों की, है ना भाई, 3210 रुपये की पर्ची 6 आदमियों की, जिसमें एक जिप्सी रहेगी पूरी जो आपको घुमाएगी। और भाई यहाँ पर है खतरों के खिलाड़ी, लोग कैसे उतर रहे हैं हम लोग, इकराम भाई को देखो हमारे भाई, उतरने में जितना मजा आता है ना चढ़ने में उतनी ही ऐसी हो जाती है भाई
अभी हम लोग चढ़े हैं भाई अप्सरा वाले में, हालत पतली हो गई बिल्कुल, पानी की बोतल ये वाली लेना पड़ी भाई। पचमढ़ी में ट्रेकिंग करने का असली मजा आ रही है, हालत ख़राब भी हो रही है और मज़ा भी आ रही है। सुबह के 6 बजे से अपने घर से निकले हुए, और क्या क्या बताएं, ड्रोन शॉट होते ना भाई क्या कर रही वाली फीलिंग आती, क्या बताएं, ड्रोन शॉट होते ना बहुत शानदार दिखता। नेक्स्ट टाइम पे ड्रोन शॉट मिलेंगे पक्का। बस जब तक के लिए चैनल को बढ़ा दे रहा हो यार, और जो जो आ रहा है भाई आओ, तो मेरी राय एक ही है, डायरेक्ट एक वहाँ से आके सीधे क्या कहते हैं उसे अपन परमिट बनवा लो, परमिट में इंक्लूड कर देंगे गाड़ी वगैरह वो लोग सब, किसी दलाल के चक्कर में मत फंसना भाई, फंसा देते हैं वो लोग, नहीं तो हम लोगों ने डायरेक्ट पर्ची बनाई 1000 रुपये में हमारा काम हो गया। और जो जो जगह फ्री में घूमने वाली है वो लोग वो जगह घुमाते हैं, और जो जगह पैसों में घूमने वाली है वो गाइड घुमाएगा, गाइड का 1000 रुपये चार्ज है, ज़्यादा नहीं, 980 रुपये गाइड का चार्ज है, बस वो ही देना है हमें, और टैक्स लगता है 50%, तो 1024 रुपये हो गए टैक्स लग के, जो भी टैक्स लगा आदमी का। ये देखो पानी की आवाज़ आ रही है नीचे, बिल्कुल शांति से सुनो, ये धूपगढ़ है, नहीं ये धूपगढ़ नहीं, वो है ये वाटरफॉल, बी वाटरफॉल कहते हैं इसको। अभी और भी नीचे है, ये तो हमने थोड़ा सा दिखा रहे हैं झरना, मेन जगह यही है यहाँ की। आहा क्या नज़ारे हैं, भाई जी देखो जीप मिल गई हम लोगों को, रास्ता मिल गया यहाँ से जाने के लिए, तो ये लोग दो ही लोग आ गए भाई, भाई ये सब क्या है, जानवर पकड़ने वाली गाड़ी भाई। हम लड़कों की लाइफ यही है, आगे क्या है कुछ पता नहीं, बस जाना है घूमने जाना है। अब यहाँ पे एक पानी भरा है, अभी आप लोगों को आगे दिखाया था, ये पानी जा रहा है सीधे सीधे, अब वो नीचे गड्ढे में भरा रहता है, वो देखने जा रहे हैं भाई। तो ये हम लोगों की लाइफ है, लड़के बस यही करते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, थोड़ा सा व्यू आ रहा है अच्छा आ रहा है, बस जाना है घूमने, क्यों ग्राम भाई सही बात है ना, सही बात है, बस हम लोग इसी में एंजॉय कर रहे हैं, साला विदेश जाने का तो छोड़ ही दो। अपन ने वहाँ से कूदे सीधे, ग्राम भाई भी और हम भी शॉर्टकट मार के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जिप्सी वाले बेचारे फंसे हुए, पैं 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 हो रहा है, नागिन डांस हो रहा है यहाँ पे, ये देखो नागिन डांस हो रही है। जिप्सी ऐसी रुकी हुई है भाई जंगल में, और अपन यहाँ से जाएंगे फिर से शॉर्टकट मार के, फिर से शॉर्टकट मारेंगे, जाओ पैदल घूमने में जो मजा आता है ना भाई वो किसी चीज में नहीं आता। ये देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई यहाँ पे, और अपन आगा शॉर्टकट मार के यहाँ से इकराम भाई में, क्या देखने सिर्फ ये पानी कि पानी वहाँ पे भरा हुआ कैसा दिखता है, क्यों यहाँ देखने के आए हो पानी कि वहाँ पे पानी भरा हुआ कैसा दिखता है, ये वाला पानी जो फेंके जा रही है वो कहाँ जा रही है, बस हमें ये देखना है कि ये पानी फेंके यहाँ से जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, वो देख के हम लोग वापस आ जाएंगे, और कुछ नहीं देखना हमें। भैया ये यहाँ के हाल, जंगल में भी ट्रैफिक जाम होता है भाई, जंगल में भी ट्रैफिक जाम होता है, पचमढ़ी ये यहाँ कुछ भी हो सकता है। भैया ये जंगल है, बहुत लंबा रूट, देखो इतने सारे लोग आए भाई वो पानी को देखने, हम अकेले नहीं है, वो पानी भरता कैसे है वो देखने के इतने सारे लोग आए गाड़ी के। भैया यहाँ पे तो सिर्फ गाड़ी घुमानों पे बेस चल रही है, इतनी सारी ट्रैफिक हो रही है, ये देखो पार्किंग में गाड़ी है, यहाँ से हमारा शहर स्टार्ट होगा यहाँ पे घूमने आना, प्रतिबंधित क्षेत्र, रेडियो टेप बजाना मना है यहाँ पर, अंदर यहीं से अंदर ही जाना ना अपने को, बस यहाँ से स्टार्ट 8000 सीढ़ी, कितनी अंकल यहाँ पे 8000 800 है क्या, 8000 है 700 मीटर। भैया भैया देखो प्रसाद चुरा के भाग रही है बंदर, ये देखो मंदिर में से प्रसाद चुरा रही है,
ये हनुमान मंदिर से प्रसाद चुरा रहे थे ये बंदर। वो भग गया छोटा सा भाई, यहाँ क्या है। तो भाई ऊपर मैंने आपको बताया था हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है, पानी बह के कहाँ जा रहा है। तो ये देखो चेक करो, यहाँ आ रहा था वो पानी बह के ऊपर से, और ये सभी लोग यही देखने आए भाई। ऊपर से पानी बह के यहाँ कहाँ रहा था पहाड़ी पे से, ये देखना था हमें। तो ये देखो भैया फोटो शूट। ये है वो नज़ारे जो ऊपर से पानी भेकर आ रहा था, वो यहाँ आ रहा था। कुल मिला के बाद देखे